तो बहुत कुछ जानकारी आपने दी ये बुक के बारे में सर। और एक सवाल है, इसमें एक SR करके लिखा है, SR मतलब श्री राम ही उनका मतलब है, लेकिन वो कुछ विस्तार में बताएंगे सर आप। मैं ये पूरे किताब की जो जान है वो SR ही है, क्योंकि बाकी सब तो हम कहानी सब लोग जानते हैं। इस कहानी को हमने नए दृष्टिकोण से बताने का प्रयास किया है। तो हमारे बीच में दीपाली लिमय मैम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। SR फार्मूला, SR फार्मूला इज नथिंग बट ए श्री राम, जैसे आपने बताया श्री राम फार्मूला। तो हमने ऐसे चार फार्मूले को इसमें दिखाया गया है कि राम, आज की तारीख में राम एक तरंग है। जैसे दिवाली आती, तो दिवाली आने के पहले एक हमारे अंदर ना एक तरंग, यानी आज हाँ जैसे आज हमारे यहाँ एक उत्साह होता है, तो राम एक उत्साह है। दूसरी बात है, राम एक केवल शब्द नहीं है, ये कोई शब्द में हम इनको पकड़ के नहीं रख सकते हैं, किसी को हम बांध के नहीं रख सकते हैं। तो राम जो है एक ऐसी शक्ति का नाम है, एक एनर्जी का नाम है, वाइब्रेशन का नाम है, और राम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी काम करता है। तो अगर आप कहीं दुखी होते हैं तो इसका मतलब आप राम से दूर हो गए। हमने इसमें बताने का कोशिश किया, कोई इंसान अगर दुखी है, हाँ। कोई भी इंसान को दिखेगा, अगर वो दुखी हो रहा है, इसका मतलब वो अपने खुद के अंदर के जो अपरिचित राम है, राम उससे दूर हो गया। और जब इंसान अपने राम से दूर होता है तो वो दुखी होता है। इसका मतलब है ये बुक सिर्फ एक बार पढ़ना काफी नहीं है, बार बार अगर हम पढ़ेंगे तो इसका हर वक्त एक अर्थ अलग अलग निकलेगा। कहते हैं हरी कथा, हरी कथा अनंता जी। तो जितने बार हम हरी कथा पढ़ेंगे उतने बार हमें नया, अलग नया अलग अर्थ पता चलेगा। किताब बहुत छोटी सी है, छोटी है लेकिन बहुत बड़ा काम करने वाली है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि हर एक जन अपने पास ये बुक की कॉपी जरूर मंगाए, हमेशा रखे और पढ़े भी। इसका सबसे बड़ा कि ये किताब कोई प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया गया कि हमें प्रॉफिट कमाना है या हमें कुछ ये, बस ये जो असली राम है, बस वहां तक अगर आप पहुंच गए तो हमारा जो लिखने का जो बस वो सार्थक हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ यहाँ जुड़ने में। हाँ। और मैं मतलब मेरी इच्छा है कि मैं ये आज ही पढूं, 22 तारीख से पहले, ताकि 22 तारीख को मैं फिर से शुरुआत कर सकूं। हाँ। और हर एक से गुजारिश करूंगी कि ये बिल्कुल पढ़े और अर्थ नए 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 समझे, और दिनेश सर को जरूर कांटेक्ट करें। जरूर, और कुछ बहुत सरल, यानी आपकी कौन सी भाषा है मुझे मालूम नहीं, आप गुजरात के हैं, आप राजस्थान के हैं, आप कश्मीर के हैं, आप साउथ इंडिया से हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, आपकी कोई भी भाषा होने दीजिएगा, बहुत ही सरल, एकदम सिंपल भाषा में, अगर आप फिल्म देखते ना, फिल्म की भाषा में लिखी गई जी, जी 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 ऐसा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।